इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांचवें महीने में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और मदर में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में क्या क्या बेबी में पार्ट्स बन जाते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने 4 महीने तक का डिटेल्स बता दिया है, वो आप पिछले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इस समय हम 5वें महीने की बात करेंगे जिसमें 17वां, 18वां, 19वां और 20वां हफ्ता आता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले 17 वीक्स पे बात कर लेते हैं। 17 वीक्स पे बेबी करीब 5 से 6 इंच लंबा होता है और उसका वजन 130 से 150 ग्राम के करीब होता है। 5वें महीने में माँ को बेबी के मूवमेंट क्लियरली फील होने लगते हैं। मूवमेंट तो शुरू से ही बच्चा करता है, 3रे महीने से ही बेबी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस समय बच्चा काफ़ी छोटा होता है और पेल्विस के अंदर होता है। लेकिन 4थे महीने से जैसे ही यूट्रस पेल्विस से निकल के एब्डोमेन में आता है, माँ का बल्ज दिखाई देने लगता है जो कि प्रोमिनेंट हो जाता है और बेबी भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बेबी की हाथ पैरों की मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं जिससे बेबी के मूवमेंट तेज़ी से होने लगते हैं। तो इस समय माँ को बेबी के मूवमेंट फील होने लगते हैं। अगर माँ को 5वें महीने में मूवमेंट फील नहीं होते हैं, बच्चे की किक महसूस नहीं होती है, तो महिला को इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महिला को 15-20 दिन वेट कर लेना चाहिए और 6थे महीने से महिला को 100% मूवमेंट फील होने लगते हैं। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 वीक्स में बेबी की लेंथ 7 से 8 इंच के करीब होती है और उसका वजन 200 से 230 ग्राम के करीब होता है। इस समय बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट तेज़ी से होता है और बच्चे के ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो इसका फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन की, वो डेवलप होने लगते हैं। न्यूरॉन की संख्या तेज़ी से बढ़ती है। 19 वीक्स में बेबी करीब 8 से 9 इंच लंबा होता है और उसका वजन 300 से 350 ग्राम होता है। इस समय 5वें महीने में एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे एनाबोली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये 18 से 22 वीक्स के बीच में करा जाता है। मोस्टली इंडिया में जो टर्मिनेशन की एज है वो 20 वीक्स है, तो इसे 19 और 20 वीक्स के अंदर किया जाता है। इसमें क्या होता है, लेवल 2 में जिसे एनाबोली स्कैन भी कहते हैं, हम डिटेल्स में बेबी के एक एक पार्ट देखते हैं, हेड से लेके टो तक बच्चे के सारे अंग डिटेल में स्टडी करे जाते हैं। जैसे देखते हैं हम हेड में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मेनिंजोसील तो नहीं है, हेड की कवरिंग पूरी है या नहीं है, नेक में देखते हैं कोई भी सिस्टिक हाइग्रोमा तो नहीं है। इसके बाद हम थोरेक्स में, चेस्ट में देखते हैं कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। बच्चे के चारों चैम्बर्स देखे जाते हैं कि बच्चे के 4 चैम्बर हैं, उसकी हार्ट ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बच्चे का एब्डोमेन चेक करते हैं, एब्डोमेन में कोई किडनी वगैरह में, किडनी, स्टमक, लीवर सब कुछ प्रॉपर तरीके से बन गए हैं या नहीं बन गए हैं। बच्चे के चारों हाथ पैरों को देखा जाता है, अपर लिम जिसे कहते हैं, अपर लिम और लोअर लिम को चेक करते हैं कि सारी लंग्स वोन प्रेजेंट हैं या नहीं है। इस तरह ये एनामली स्कैन हम डिटेल में स्टडी करते हैं बेबी की, क्योंकि 5वें महीने में बेबी की ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, बेबी के सारे अंदरूनी ऑर्गन्स बन जाते हैं। इसके बाद केवल बेबी की ग्रोथ होती है। अगर महिला किसी कारणवश इस अल्ट्रासाउंड को अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और हमारे देश में पुअर पेशेंट इस अल्ट्रासाउंड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 5वें महीने पे ये स्पेशल अल्ट्रासाउंड की बजाय एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए, जो कि बहुत ही सस्ता नॉमिनल रेट पे होता है, 700 से 1000 रुपए के बीच में सारे सेंटर्स पे हो जाता है। इस समय तो ये अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में जरूर करा लेना चाहिए। अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में बच्चे में कोई मेजर प्रॉब्लम निकलती है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिससे बच्चा जन्म के बाद सर्वाइव नहीं कर पाता है या उसे सर्वाइवल करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बच्चों को टर्मिनेशन की सलाह दी जाती है। 5वें महीने में अगर हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो भी हमें दिखाई देता है कि बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट है, तो हम उसको बता सकते हैं कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और आप इसको टर्मिनेट करने की सोच सकते हैं, टर्मिनेट करने की सलाह दी जाती है। ऐसे पेशेंट को की काउंसलिंग भी करी जाती है और उनको फीटल मेडिसिन डॉक्टर के पास रिफर करा जाता है।
20 वीक्स में बच्चे की लंबाई करीब 10 इंच के करीब होती है और उसका वेट 450 से 500 ग्राम के करीब होता है। मीन्स 5वें महीने पे बच्चे का वजन आधा किलो के करीब हो जाता है। 5वें महीने में बेबी का ब्रेन स्टेम डेवलप हो जाता है। ब्रेन स्टेम पोस्टीरियर ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि पॉन्स, ब्रेन स्टेम और मेडुला से मिलकर बना होता है। तो 5वें महीने में ब्रेन स्टेम अपना काम करना शुरू कर देता है। 20 वीक्स पे बेबी में स्वालोइंग पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। बच्चा जो उसके चारों तरफ पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसको स्वालो करना शुरू कर देता है। बच्चा उस पानी को पीता है और उसी पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। इस तरह से पानी का जो लेवल होता है वो मेंटेन भी रहता है और बच्चा इसी पानी में घूमता रहता है। माँ में क्या क्या चेंजेस आते हैं अब इसके लिए बात कर लेते हैं। माँ के लिए 5वां महीना सबसे अच्छा महीना होता है क्योंकि इस समय माँ को वेट गेन भी होने लगता है। तो इस समय प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है तो महिला कहीं भी घूम सकती है और ट्रैवल भी कर सकती है। लेकिन अगर उसे ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रेन की जर्नी सबसे सेफ जर्नी कहलाती है। ट्रेन की जर्नी स्मूथ होती है और उसमें कम झटके लगते हैं। तो अगर किसी कारणवश ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रेन जर्नी को चूज करना चाहिए। इस समय महिला को भूख भी लगने लगती है तो महिला को अपना डाइट पे काफ़ी ख्याल रखना चाहिए और जो दाल चावल रोटी खाती है, जो रूटीन खाना खाती है, उसके अलावा महिला को कैल्शियम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि कैल्शियम लेने से बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कैल्शियम का जो महिला का रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में वो 1000 मिलीग्राम एक दिन में होता है। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है दूध। महिला को एक दिन में 2 गिलास दूध कम से कम जरूर लेना चाहिए जब भी प्रेगनेंसी होती है। और बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत होती है कि उन्हें दूध पसंद नहीं है, तो उन महिलाओं को दूध का दही, 2 गिलास दूध का दही जमा लेना चाहिए और दूध की बजाय दही या लस्सी बना के वो लोग ले सकती हैं। दूध के साथ साथ महिला दही, लस्सी, बादाम और सीताफल भी ले सकती है जो कि कैल्शियम के अच्छे सोर्सेस हैं। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी वो महिला ले सकती है जिसमें कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। 5वें महीने पे बेबी की पूरी स्किन पे वाइट चीजी सी कोटिंग हो जाती है। पूरे शरीर पे वाइट जैसा सब्सटेंस जैसा दिखाई देने लगता है जिसे बर्निक्स कैजियोसा कहते हैं। ये बर्निक्स कैजियोसा क्या करता है, ये जो कोटिंग होती है बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि बेबी लंबे समय तक इस पानी में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, तो उसकी वजह से उसकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो ये बर्निक्स कैजियोसा बेबी के ऊपर जो होती है वो बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड में भी सुरक्षित रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।